एसएसपी देहरादून अजय सिंह शुक्रवार को अपनी टीम के साथ सड़कों पर यातायात और बाजार व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए, जिसके चलते उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। दरअसल एसएसपी देहरादून अजय सिंह औचक निरीक्षण के लिए पछवादून क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने खुद अपनी टीम के साथ पैदल गश्त की और हरबर्टपुर क्षेत्र की यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए दुकानदारों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं राहगीरों ने भी वरिष्ठ अधिकारी को अपने बीच पाकर यातायात संबंधी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, डीजीपी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो पुलिस है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि वो पैदल जो है बाजारों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर घूमे। इसके दो उद्देश्य होते हैं, एक तो जब पुलिस सड़कों पर रहती है तो एक जो जनता में विश्वास की भावना भी बढ़ती है, और जब पुलिस सड़कों पर जाती है तो उसे बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती है जैसे अवैध अतिक्रमण हो, अवैध पार्किंग हो, गाड़ियां हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूचना तंत्र का भी काम करते हैं, वो कुछ ना कुछ जब उनसे इंटरेक्शन होता है जब पैदल चलने में तो कुछ ना कुछ बातें वो शेयर करते हैं, अपनी समस्याओं को भी बताते हैं व्यापारी गण हो चाहे अन्य लोगों, और समाधान भी होता है। इसी को देखते हैं शहर देहात में इसको बताया गया, खासकर त्योहारी सीजन में फुट पेट्रोलिंग पैदल कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा बाजारों में घुमा जाए। तो आज भी इसी को देखते हुए जो निर्देश है माननीय डीजीपी महोदय के, उसी निर्देश में पछवाड़ून में भी मेरे द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, और पुलिस को भी बताया गया कि लगातार भ्रमणशील रहे और कोशिश करें कि जहां ज्यादा पैदल चल सके, जहां बाजार है वहां पर जरूर पैदल भ्रमण करें, अतिक्रमणों को हटाएं, लोगों से बात करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें।